नमस्कार, मैं भाग्यश्री आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। सीएम एकनाथ शिंदे आज मंगलवार को अपने ही नाम पर बने एक पार्क का उद्घाटन करने की तैयारी में थे, लेकिन विवाद छिड़ने के बाद प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत को जानकारी दी कि शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके परिवार को मुंबई में चौल के पूर्ण विकास प्रोजेक्ट में अनियमितता के 1 करोड़ रुपए मिले। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सियासत के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। तो उधर पात्रा चौल का नाम फिर से चर्चा में, ताज़ा घटनाक्रमों के साथ ही उन सैकड़ों लोगों का दर्द भी फिर से हरा हो गया है जो सिद्धार्थनगर स्थित इस चौल के विकास कार्य के चलते सालों से घर की बाट जो रहे थे। इस बीच अंधेरी में रहने वाले दो पड़ोसियों ने कॉल के जरिए 3.63 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। प्रदेश की इन 5 बड़ी खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज मंगलवार को अपने ही नाम पर बने एक पार्क का उद्घाटन करने की तैयारी में थे, लेकिन विवाद छेड़ने के बाद प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। पुणे में स्थित मोहम्मद वाड़ी में बने इस पार्क के उद्घाटन का कार्यक्रम मंगलवार को सीएम के दौरे के वक्त तय किया गया था। स्थानीय नागरिकों की मांग पर शिवसेना के पूर्व पार्षद नाना भंगीरे ने मोहम्मद वाड़ी के एक पार्क तैयार कराया था, जिसका नाम एकनाथ शिंदे पर ही रख दिया गया। नाना भंगीरे ने हाल ही में एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन किया था और उन्होंने पुणे इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्क के बनाए जाने के बाद एक बोर्ड उसके प्रवेश द्वार पर लगाया गया था, जिसमें उसका नाम एकनाथ शिंदे पार्क लिखा था। इस बारे में जैसे ही खबर फैली तो एक्टिविस्ट जुट गए और वे उसका विरोध करने लगे। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे ने नाना भंगीरे को बुलाया और उनसे कार्यक्रम को ही कैंसिल करने को कहा। भंगीरे ने कहा कि हमने उद्घाटन का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है, अब हम पार्क के नामकरण का प्रस्ताव पुणे नगर निगम की उद्यान कमेटी के समक्ष पेश करेंगे। उस समिति की बैठक में ही पार्क के नाम को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे के नाम पर पार्क बनाने का विरोध करने वाली एक्टिविस्ट विनीता देशमुख ने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके परिवार को मुंबई के चौल के पुनर्विकास प्रोजेक्ट के अनियमितता से 1 करोड़ रुपए मिले। प्रवर्तन निदेशालय ने एक विशेष अदालत को यह जानकारी दी है। मालूम हो कि विशेष PMLA यानी धनशोधन निवारण अधिनियम कोर्ट के जस्टिस MG देशपांडे ने राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने यह दावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत की हिरासत की मांग करते हुए किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक यह मामला उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में अधिनियमों और वित्तीय संपत्ति के लेन देन से जुड़ा है, जिसमें उनकी पत्नी और उनके कथित सहयोगी शामिल है। हालांकि संजय राउत ने दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप अस्पष्ट है और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लगाए गए हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी 60 वर्षीय राजनेता को रविवार रात गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण मुंबई के बेलार्ड एस्टेट में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उनसे 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। संघीय जांच एजेंसी ने कल सोमवार को राउत को विशेष PMLA अदालत में पेश किया और 8 दिन की हिरासत की मांग की, लेकिन जज ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि 8 दिनों की लंबी हिरासत की जरूरत नहीं है। मेरी राय है कि अगर आरोपी को 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा जाता है तो यह मकसद के लिहाज से पर्याप्त होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सियासत जारी है। हालांकि इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। अब तक उन्होंने मामले पर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि जब इसे लेकर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल किया गया तो वह नाराज नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब ठाकरे से सवाल किया गया कि क्या राउत को आइसोलेट किया जा रहा है, साथ ही पवार की चुप्पी का भी जिक्र किया गया। इसे लेकर शिवसेना प्रमुख ने कहा, मैंने तुम्हें बोला कि मैं ये फालतू सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं संजय राउत के घर गया था। मैं दोहराता हूँ कि संजय राउत और मेरे अच्छे पारिवारिक संबंध है। बता दें कि हाल ही में ठाकरे ने राउत की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की थी। उन्होंने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक समय पर हिटलर को लग रहा था कि वह जीत रहा है और एक कार्टूनिस्ट लगातार उसके बारे में खुलासा कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पर निर्भर है तो लोकतंत्र कहाँ है। साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर भी जमकर निशाना साधा था। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद एक बार फिर पात्रा चौल का नाम चर्चा में है। फिलहाल इस मामले में राउत को 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा गया है। बहरहाल घटनाक्रमों के साथ ही उन सैकड़ों लोगों का दर्द भी फिर से हरा हो गया है जो सिद्धार्थनगर स्थित इस चौल के विकास कार्य के चलते सालों से घर की बाट जो रहे हैं। गोरेगांव के रहने वाले संजय नाइक को पुनर्विकास होने के कारण पात्रा चौल से अपना घर खाली करना पड़ा था। उस दौरान वादा किया गया था कि उन्हें 3 सालों के बाद घर वापस मिल जाएगा। वह कहते हैं, प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और हमें वादा किया हुआ किराया भी नहीं मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट ने हमारी परेशानियां कई गुना बढ़ा दी। हालांकि उनकी तरह 671 किरायेदारों की कहानियां भी ऐसी ही है। फिलहाल नाइक 6 सदस्यों के परिवार के साथ चौल के पास ही किराए से रह रहे। उनकी तरह कई लोगों का दावा है कि किराया चुकाने के लिए उन्हें अपने सोने के गहने गिरवी रखने पड़े। वह अपनी मासिक कमाई में से 20,000 रुपए किराया देने के चलते परेशान है और माड़ा से किराया देने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि 672 किरायेदारों ने साल 2008 में अपना घर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया था। रहवासियों का कहना है कि समझौते के अनुसार डेवलपर को प्रोजेक्ट खत्म होने तक सभी 672 किरायेदारों को हर महीने किराया देना था। साल 2014-15 तक किराया दिया गया, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट कथित घोटालों में फंस गया और 6 सालों के लिए अटक गया। इसके बाद फरवरी 2022 में यह दोबारा शुरू हुआ है। अंधेरी में रहने वाले दो पड़ोसियों ने न्यूड कॉल के जरिए 3.63 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। अंबोली पुलिस ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है दोनों पीड़ितों को ठगने वाला आरोपी एक ही है। अलग अलग पहले मामले में एक 86 साल के बुजुर्ग को शिकार बनाया गया। 28 जुलाई को दोपहर के वक्त बुजुर्ग के मोबाइल पर अनजान वीडियो कॉल आई। उन्होंने रिसीव की तो पता चला कि कॉलर न्यूड थी। आरोपी ने बुजुर्ग की कॉल के दौरान ही फोटो कैप्चर कर ली और ब्लैकमेल करने लगा। उसने बुजुर्ग की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। इस बात से डरकर बुजुर्ग ने उसको पैसे देने की बात मान ली। आरोपी ने बुजुर्ग को 2 बैंक अकाउंट दिए और 2.99 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। 19 जुलाई को बुजुर्ग ने अंबोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बुजुर्ग के पड़ोस में रहने वाले 58 साल के शख्स भी इसी तरह ठगी का शिकार हो चुके हैं। उनके पास भी एक अनजान महिला का वीडियो कॉल आया था। उसके बाद उन्हें डिजिटल वॉलेट से 64,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। अंबोली पुलिस ने दोनों ही शिकायतों को एक ही FIR में दर्ज कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हम पता करेंगे कि इन बैंक अकाउंट को कौन चला रहा है। दोनों जगहों से जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो एक ही शख्स को किए गए हैं या फिर अलग अलग हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज सुबह नई दिल्ली ऑफिस पर छापा मारा तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करीब 900 सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोइश ईरानी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेटा डिसिजा को जमकर फटकार लगाई है। तो उधर झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के कैश कांड के केस में कोलकाता का एक व्यवसायी CID की रडार पर आ गया है। इसी कारोबारी ने विधायकों को 49 लाख रुपए भिजवाए थे। इस बीच मध्य प्रदेश में गलत तरीके का अवैध रूप से चलाने वाले मदरसों पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ऐसे मदरसों पर अब ताला लगने वाला है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज सुबह नई दिल्ली ऑफिस पर छापा मारा। ईडी की टीम की तरफ से छानबीन जारी है। इससे पहले ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से पूछताछ की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के बाद इस बात की अटकल लगाई जा रही थी ईडी अब केस दर्ज करा सकती है। ईडी के छापे के बीच राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिख मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि तानाशाह के हर फरमान से, जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हम लड़ना चाहते हैं। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये सरकार चाहती है कि आप बिना सवाल किए तानाशाह की हर बात को स्वीकार करें। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, इनसे डरने की और तानाशाही सहने की जरूरत नहीं है।
ये डरपोक है आपकी ताकत और एकता से डरते हैं, इसीलिए उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। अगर आप एकजुट होकर इनका सामना करोगे तो ये डर जाएंगे। राहुल ने लिखा, मेरा आपसे वादा है, न हम डरेंगे और न इन्हें डराने देंगे। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मामले में आरोपी है और अभी जमानत पर है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पूरा जोर दे रही है। किसी भी कीमत पर योगी सरकार इससे समझौता करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने करीब 900 सरकारी वकीलों को बर्खास्त करके एक बार फिर सख्त कार्रवाई के संदेश दिया गया है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक इस बर्खास्ती से हाहाकार मच गया है। यूपी सरकार ने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को हटाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई है। यूपी सरकार के विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके कुछ ही घंटे बाद सरकार ने 588 राज्य विधि अधिकारी यानी सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता हटाए गए हैं। 179 स्थायी वक्ताओं की छुट्टी भी हुई है। 111 ब्रीफ होल्डर सिल्यू की सेवाएं समाप्त की गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर सेवाएं खत्म की है। इन पदों पर अब जल्द ही दूसरे वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस नेता दुर्भावनापूर्ण इरादे रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोयश ईरानी गोवा के रेस्तरा की न तो मालिक है और न ही उन्होंने कभी फूड एंड बेवरेज के लिए आवेदन किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेता डिसूजा को जमकर फटकार लगाई। गौरतलब है कि इन नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी जोयश ईरानी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादा रखे हुए प्रतीत होते हैं। गोवा सरकार से जारी कारण बताओ नोटिस ईरानी और उनके परिवार के सदस्यों को संबोधित नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के तीन नेताओं के बयान बदनाम करने वाली प्रकृति और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए गए फर्जी प्रतीत होते हैं, जिनका मकसद जानबूझकर ईरानी को व्यापक सार्वजनिक उपहास का पात्र बनाना और बीजेपी नेता और उनकी बेटी के नैतिक चरित्र व सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड्डा, नेता डिसूजा के साथ अन्य ने उनके खिलाफ झूठे, तल्ख और आक्रामक व्यक्तिगत हमले करने की साजिश रची। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी की तरफ से दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे में अपने सक्षम पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर करते हुए की। झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायकों के कैश कांड के केस में कोलकाता का एक व्यवसायी सीआईडी के रडार पर आ गया है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक इसी कारोबारी ने विधायकों को 49 लाख रुपए भिजवाए। सीआईडी सूत्रों का दावा है कि तीनों कांग्रेस विधायकों को, जिन्हें तब से पार्टी ने निलंबित कर दिया है, गुवाहाटी के एक प्रमुख राजनेता ने फरार व्यवसायी के संपर्क करने का निर्देश दिया था। सूत्रों के मुताबिक कच्छप और अंसारी 20 जुलाई को गुवाहाटी गए थे। उन्होंने 29 जुलाई को झारखंड से बाहर निकलने के बाद उस शहर की एक और यात्रा की, जहां उन्होंने सहयोगियों से कहा कि वे एक आदिवासी कार्यक्रम के लिए साड़ी और जर्सी खरीदने के लिए कोलकाता जा रहे थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी कैश के साथ गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी समेत 5 आरोपियों से सीआईडी की टीम ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार तीनों कांग्रेसी विधायकों से हावड़ा के भवानी भवन में पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में तीनों विधायकों ने कई बातों का खुलासा किया। यह बात भी सामने आई कि तीनों विधायकों एयरपोर्ट से कोलकाता स्थित एक होटल में पहुंचे थे। वह रजिस्टर में एंट्री किए बिना उन्हें कमरा दे दिया गया था। वो भी 30 जुलाई को असम गुवाहाटी से कोलकाता पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में गलत तरीके या अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ऐसे मदरसों पर अब ताला लगने वाला है। इसे लेकर एमपी की पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि जो मदरसे नियमों के हिसाब से ठीक नहीं है उन्हें बंद किया जाए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि प्रदेश के कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक कमरे में टेबल और बोर्ड लगाकर संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त और कागजों पर चलने वाले फर्जी मदरसों को जल्द बंद कराने का मन बना लिया है और इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग 7,700 से ज्यादा रजिस्टर मदरसे हैं, लेकिन बाल आयोग द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद
दर्जनों मदरसे नियम के मुताबिक संचालित होते हुए नहीं पाए गए। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधीन मदरसों की संख्या हजारों में है और इसके साथ ही सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षकों को नियुक्ति के आधार पर अनुदान राशि मिलने का भी प्रावधान है। बता दें कि इससे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद राज्य में मदरसों को लेकर सख्त फैसले लिए गए थे, जिसके चलते फर्जी और अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को बंद करने की कार्रवाई भी शामिल थी। अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को ढेर कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को CIA ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया, तो मॉरिशियस टेलीकॉम के पूर्व CEO शेरी सिंह के इस्तीफे के बाद अब उनके चीन के साथ संबंधों की जानकारी सामने आई है। दावे किए जा रहे हैं कि चीनी टेक कंपनियों हुआवे और शेरी सिंह के बीच काफ़ी नज़दीकी संबंध रहे हैं। वही चीन ने फिर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। उसमें बड़ी मारक क्षमता वाले मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो 2500 किलोमीटर तक की हाइपोनसिक गति से हमला करने में सक्षम है। तो उधर अब चीन भी पाकिस्तान से कतराने लगा है, क्योंकि चीन की नज़र में पाकिस्तान उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं है। इस बीच पीच ब्लैक 2022 अभ्यास शुरू करने के लिए 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी 2 सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। वैश्विक महामारी के कारण पिछले 4 साल से यह अभ्यास बंद था। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल स्थानीय समय अनुसार शाम 7:35 पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को बताया कि अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को ढेर कर दिया गया है। 1 जुलाई को बाइडेन को CIA ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया था। गुरुवार यानी 28 जुलाई को उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए मंजूरी दी। सिचुएशन रूम में बाइडेन को एक जवाहिरी के घर का मॉडल बनाकर इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया गया था। यही वो जगह है जहां पर रिचर्ड निक्सन को लेकर जॉर्ज बुश सीनियर बराक ओबामा तक ने अमेरिका की जीत को करीब से देखा है। जवाहिरी के सिर पर हजारों अमेरिकियों के खून का इल्जाम था। साल 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिकी फौजों ने अलकायदा की घेराबंदी शुरू की। चूहों की तरह सुरंगों और पहाड़ी बंकरों में छिपने में माहिर जवाहिरी और अलकायदा का मोस्ट वांटेड मुखिया बिन लादेन अफगानिस्तान से बच निकले। बिन लादेन इसके 10 साल बाद 2001 में पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। उसे भी अमेरिका फौजों ने आधी रात को हुए एक सर्जिकल स्ट्राइक में ढेर कर दिया, लेकिन अमेरिका की नज़र में इंसाफ अभी अधूरा था। इन गुनाहों में उसका बराबर का हिस्सेदार पेशे से सर्जन और मिस्र का नागरिक अयमान अल जवाहिरी आज़ाद था। बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान उसके हाथों में थी, लेकिन अंततः अयमान अल जवाहिरी खुद अमेरिका ड्रोन हमले में मारा गया। जवाहिरी की मौत के अलकायदा की कमर बुरी तरह से टूट गई है। मॉरिशन टेलीकॉम के पूर्व CEO शेरी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनके चीन के साथ संबंधों की जानकारी सामने आई है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चीन टेक कंपनी हुआवे और मॉरिशन टेलीकॉम के पूर्व CEO शेरी सिंह के बीच काफी नजदीकी संबंध रहे हैं। शेरी सिंह पर भारत की जासूसी करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मालूम हो कि शेरी सिंह ने 7 साल से अधिक समय तक कंपनी का नेतृत्व करने के बाद बीते महीने मॉरिशन की राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। शेरी सिंह के इस्तीफा के बाद मॉरिशन की राजनीति में भूचाल आ गया था। शेरी सिंह को प्रवीण जगन्नाथ का दाहिना हाथ और सरकार के अंदरूनी घेरे का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। शेरी सिंह के इस्तीफे के बाद से ही उनके और हुआवे के बीच रिश्ते की खबरें सामने आने लगी। दरअसल इस्तीफा देने के कुछ समय बाद ही शेरी सिंह ने 2 अलग-अलग इंटरव्यू में भारत को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे। शेरी सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मॉरिशन के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के अनुरोध पर भारत की टीम ने उनके देश का दौरा किया। इस दौरान इस टीम ने पूरे देश का सर्वे किया था। मॉरिशन टेलीकॉम के कर्मचारियों को लिखे एक लेटर में शेरी सिंह ने कहा कि वह मूल्यों से समझौता करके CEO के रूप में काम करने में असमर्थ है। PM जगन्नाथ ने उन्हें भारतीय टीम को स्निपिंग डिवाइन यानी जासूसी डिवाइन स्थापित करने के उद्देश्य से एक फैसिलिटी तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया था। चीन ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 95वीं वर्षगांठ से ठीक कुछ वक्त पहले एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-17 का फुटेज जारी किया है। चीन ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल की फुटेज पहली बार जारी की है। इस मिसाइल के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना असंभव है। चीन ने इस वीडियो को ऐसे समय में साझा किया है जब उनका ताइवान और अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर संशय बना हुआ है। चीनी का दावा है कि इसकी गति और अप्रत्याशित पथ के कारण दुश्मन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरप्रेस करना नामुमकिन है। यह मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक गति से हमला करने में सक्षम है।
इससे पहले इस मिसाइल को राजधानी बीजिंग में 1 अक्टूबर 2019 के सैन्य परेड में दिखाया गया था, लेकिन यह पहली बार है जब चीन ने DF-17 मिसाइल के लाइव फायर ड्रिल का वीडियो जारी किया है। चीनी सैन्य विशेषज्ञ और टीवी कमेंटेटर सोंग जोंगपिंग ने कहा कि मिसाइल के रेगिस्तान में राजमार्ग पर लॉन्च किए जा रहे वीडियो से पता चल रहा है कि इसके लिए किसी तरह की तैयारी जरूरत नहीं है। यह मिसाइल किसी भी समय और किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल का वजन 15,000 किलोग्राम है और यह 11 मीटर तक लंबा है। यह पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों की वजह से घोर आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहा है। वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है, डिफाल्टर भी बन सकता है। कुछ दिन पहले ही देश के डिफाल्टर बनने से रोकने के लिए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाला था। बाजवा ने अमेरिका से कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलवाने में पाकिस्तान की मदद करे। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जमकर फटकार भी लगाई थी। बाजवा की रणनीति काम नहीं आई। अब खबर है कि चीन को भी पाकिस्तान बोझ लगने लगा है, क्योंकि चीन की नज़र में पाकिस्तान उसके लिए एक बोझ से कम नहीं है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि चीन और पाकिस्तान के एक लंबे रिश्ते रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जब चीन मुश्किल वक्त में था तब पाकिस्तान ने उनका साथ दिया था, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के रिश्तों पर क्लोज डोर वार्ता चल रही है जिसमें 5 चीन के लोग मौजूद थे। 5 में से 4 चीन के एक्सपर्ट ने माना कि पाकिस्तान चीन के लिए अब बोझ बन सकता है। सिर्फ एक ने पाकिस्तान के हक में बात की। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन, जो कि हमारा अच्छा दोस्त रहा है, इन दिनों उनमें भी पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही तरह की बेचैनी दिख रही है। यह पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पीच ब्लैक 2022 अभ्यास शुरू करने के लिए 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2,500 सैन्यकर्मी 2 सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। वैश्विक महामारी के कारण पिछले 4 साल से यह अभ्यास बंद था। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त बल की वापसी, अंतर क्षमता को बढ़ाने और विभिन्न देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। पीच ब्लैक 2022 के निदेशक एंगेजमेंट ग्रुप कैप्टन पीटर वुड ने कहा कि विस्तारित ब्रेक के बाद पीच ब्लैक में वापसी देखकर उन्हें खुशी हुई। ग्रुप कैप्टन वुड ने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र के भीतर और विदेशों में अभ्यास पीच ब्लैक में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अद्वितीय वातावरण में विमान प्रणालियों और कार्य प्रथाओं के साथ काम करने में भी सभी देशों के कर्मियों को ऐसे अनुभव का सामना होगा जिससे अब तक वे अपरिचित रहे हैं। पीच ब्लैक 2022 के प्रमुख रणनीति भागीदारों के साथ वायुसेना की द्विवार्षिक कैपस्टोन अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की गतिविधि है। इस वर्ष के प्रतिभागियों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। ग्रुप कैप्टन वुड ने कहा कि हम पीच ब्लैक अभ्यास के लिए एक बार फिर अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि वैश्विक परिदृष्टों को देखते हुए इस अभ्यास का महत्व और बढ़ जाता है। तो आज की इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।